Law. So Kirchhoff's second law, it is also known as uh, Kirchhoff's voltage law, KVL, Kirchhoff's voltage law, or either it is also known as the law of conservation of uh, energy, or the other name which is given to it, it is loop law, or either that mesh law. But remember that uh, whenever you have to use this Kirchhoff's second law, so it will be used only for that. Uh, लूप और अ मैश ठीक है सो वट इज द मीनिंग ऑफ लूप और मैश सो फर्स्ट वी शूड टू लर्न दिस वन लूप और मैश सो लूप और मैश मीन टू से दैट इट इज क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट इन विच करंट कैन फ्लो इन विच करंट कैन फ्लो ठीक है तो हमारे पास ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो सकता है जैसे जैकेट आउट ओवर है if i am supposing this to be that number of um, this uh, register are used in the circuit here it is the cell use okay so uh, over here let me to suppose that now this is circuit it is uh, open circuit okay so what you suppose that is it closed circuit no it is not a closed circuit okay so over here uh, this is open circuit okay so therefore uh, we are not going to call it as as a loop or अ मैश ठीक है नो ओवर देर इफ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस स्विच देन व्हाट विल हैपन देन इट विल बिकम अ क्लोज सर्किट एंड नउ इन दिस क्लोज सर्किट करंट कैन फ्लो ओके सो देर फॉर दैट क्लोज सर्किट इन विच करंट कैन फ्लो वी आर गोइंग टू कॉल इट इज ऐस लूप और मैश ठीक है सो देर फोर दैट्स वाई दिस सेकेंड लॉ विल बी यूज ओनली फॉर Uh, closed circuit, so it is uh, named as loop law or mesh law. Okay, now let us look over here that how to implement this law. Okay, so for this, uh, I'm going to consider a simple example. With the help of this example, we will understand uh, how to use this Kirchhoff's voltage law. Okay, uh, so over there, and uh, that uh, I'm having letter.

लेटस टू गिव द नेम ओवर है इट इज ए बी सी टी ई एफ ओके सो दिस इज द नेम विच इस गिवन वाई एस ओके सो दट सर्किट इन दिस सर्किट आई एम गोइंग टू यूज दिस किर्चो सेकंड लॉ ओके नौ जस्ट लुक ओवर है दिस किर्चॉस सेककिंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज लॉ ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वोल्टेज लॉ सो लेट टू अंडरस्टैंड दिस वन अकॉर्डिंग टू किच ऑफ सेकेंड लॉ बिकॉज वी कैन यूज इट ओनली इन द क्लोज सर्किट ओके सो इट सेज दैट अलजैबरिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन दिस क्लोज लूप तो उस जो आपने क्लोज लूप यहाँ पे जो जितना भी क्लोज लूप आपने कंसिडर किया उसके अंदर जितनी भी आपने ई सप्लाई की है उसका जो अलजैब्रिक सम है दिस विल बी इक्वल टू अलजैब्रिक सम ऑफ ऑल आई आर प्रोडक्ट ठीक है तो उस सर्किट के अंदर जितने भी जगह आपके पास ये जो करंट है रजिस्टर से पास होगा ठीक है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा वहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएंगे सर्किट के अंदर तो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर हो जाएगा ठीक है सो वट इज सेड बाई दिस वन दैट अलजैबरिक सम ऑफ ऑल द ई एम एफ इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द अलजैबरिक सम ऑफ ऑल द आई आर प्रोडक्ट ठीक है तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस के मतलब के सम बनेंगे हाँ उस सर्किट के अंदर वो किसके बराबर होंगे जितनी सप्लाइड ई एम एफ होगी ठीक है तो इसलिए ये लिख दिया मैंने यहाँ पे अलजैबरिक सम ऑफ ऑल ई एम एफ इज इक्वल टू of all product ऑल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ठीक है तो इसलिए हमारे पास दिस इज दैट के बी एल क्रच ऑफ वोल्टेज लॉ ठीक है सो जस्ट चेक ओवर हेयर हाउ टू अप्लाई दिस क्रच ऑफ सेकेंड लॉ और दैट लूप लॉ ओके तो इसमें सबसे पहले तो आप एक क्लोज लूप कंसिडर करोगे ठीक है मतलब कि क्लोज़ लूप का मतलब क्या हो गया जहाँ से आप चलना शुरू करोगे वहीं पर वापस आने वहीं पर आपने वापस आना है ठीक है तो इसलिए अगर आपके पास ऐसा पाथ बन जाता है कि जहाँ से आप शुरू करते हो वहीं पर आप एंड भी कर रहे हैं ठीक है तो वो क्या बनेगा एक क्लोज लूप बनेगा जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लेट मी टू सपोज़ कि मैं क्या करता हूँ अपनी जर्नी ए uh, से शुरू करता हूँ ठीक है uh, ए से मैं क्या करता हूँ चलना शुरू करता हूँ ठीक है तो ए से मैं बी की बी uh, जाता हूँ बी से मैं सी जाता हूँ तो सी से मैं एफ़ की तरफ आता हूँ और एफ़ से मैं ए की तरफ आता हूँ इस चीज़ से क्लोज़ लूप और नॉट ठीक है क्या ये एक क्लोज लूप बना ठीक है इट इज़ अ क्लोज लूप ठीक है तो इसलिए हमारे पास इस आ, ये जो क्लोज़ लूप है क्यों क्लोज़ लूप है क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है ठीक है इसलिए ये क्या बनाएगा? Close loop बना एक क्लोज़ लूप बना दूसरी बात कैसे पता लगा कैसे आप लिखोगे कि क्लोज़ लूप है ये ठीक तो है तो हमने क्या किया यहाँ पे बोला कंसीडर अ क्लोज़ लूप देखो जब भी आपको क्लोज लूप लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो देखो ए से आपने स्टार्ट किया फिर आप किस तरफ गए बी तो नेक्स्ट पॉइंट था बी उसके बाद किस तरफ गए सी उसके बाद नेक्स्ट किस तरफ आए एफ और फिर फाइनली कहाँ पर पहुंचे ए के ऊपर ठीक है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या बना ये एक क्लोज लूप बना ठीक है तो इस क्लोज लूप के अंदर आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे थे ठीक है तो वो पाथ आप शो कर दो तो आप ट्रैवल कर रहे थे इस तरह से ये मैंने पाथ शो कर दिया ठीक है ये क्या बोला मैंने जो मैं मतलब के पाथ ट्रैवल कर रहा था ठीक है तो वो कैसे चल रहा था मैं आ, एंड इस आ, जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ठीक है तो इसलिए मेरे पास एक ऐसा हो गया एक आ, जो लूप मैंने कंसीडर किया है उसमें मेरी जो डायरेक्शन है वो कैसी है क्लॉकवाइज है ठीक है और इसमें इफ़ आई विल चेक ओवर देर यहाँ पर अगर मैं सपोज़ करूँ मान लो मैं यहाँ सी से आ, स्टार्ट करता हूँ ठीक है तो सी से मैं डी की तरफ जाता हूँ डी से ई e की तरफ जाता हूँ ई e से एफ़ की तरफ जाता हूँ और एफ़ से वापस सी के ऊपर आऊँ तो क्या ये एक क्लोज़ लूप बना कि नहीं बना ठीक है तो ये भी हमारे पास क्या बना एक क्लोज़ लूप तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे सर्किट है इसके अंदर हमें क्या मिल गए दो क्लोज़ लूप मिल गए ठीक है तो यहाँ पर जैसे सेकेंड क्लोज़ लूप मेरे पास कौन सा बना तो क्लोज़ लूप मेरे पास इसमें बना दैट इट इज़ सी फिर डी डी से मैं ई e, जाता हूँ ई e से एफ और एफ से वापस सी के ऊपर ठीक है नवचे को ऊपर दे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप एंड कर रहे हो ठीक है तो इससे क्या close loop बना? ये एक क्लोज लूप बना ठीक है जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड कर रहे हो ठीक तो है तो इसे क्या बना ये क्लोज लूप तो आप सी से डी जाते हो डी से ई e जाते हो ई e से एफ जाते हो एफ से सी जाते हो वैसे ही यहाँ पर ए से बी बी से सी सी से एफ और आप से ए की तरफ जाते हो ठीक है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमने कितने क्लोज लूप कंसिडर किए दो ठीक है तो इस क्लोज लूप के अंदर आपका ट्रावर्सल आप कैसे चल रहे थे तो आप ये इस तरह से चल रहे थे ठीक है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू विल मूव इन दिस क्लोज लूप ठीक है आपने इस क्लोज लूप के अंदर कैसे चलना है ठीक है सो ओवर हेर दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप ठीक है ये स्टेप नंबर वन था हमारे पास चूज choose the path traveled ठीक है पाथ ऑफ ट्रावर्सल ट्रावर्सल मीन्स जो ट्रेवल्ड पाथ है मतलब कि आप कैसे चल चलते हो इस क्लोज सर्किट के अंदर ठीक है तो वो पाथ आपने चूज करना है ओके नाउ नेक्स्ट ओवर हेयर यू कैन शो द करंट ओवर हेयर इन दिस सर्किट ठीक है अब जैसे देखो मेरे पास दो सेल यूज़ किए हैं आई एम गोइंग टू शो द करंट फ्रॉम बोथ द सेल ठीक है फर्स्ट सिंपली कंसिडरेशन लेते हैं कि दोनों सेल से करंट बाहर निकलता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा करंट बाहर आएगा तो इसलिए आई वन करंट जो है मान लो फर्स्ट सेल से बाहर आता है बट रिमेंबर जितना इसके पॉजिटिव से बाहर करंट जाएगा उतना ही नेगेटिव के ऊपर वापस भी आना है इसका मतलब यहाँ पर वापस भी आना है करंट उतना ही ठीक है तो कितना करंट वापस आएगा आई वन करंट इसके नेगेटिव के ऊपर वापस भी आना है ठीक है तो इसलिए आई वन करंट जो है वो इसके पॉजिटिव से जाता है इस आर वन रजिस्टर से होकर के बी के पास पहुंचा और बी से ये क्या हो जाता है सी के पास आ जाता है ठीक है वट ओवर हेयर यू विल फाइंड कि सी के ऊपर क्या हो रहा है एक और वायर यहाँ पर आकर के मीट कर रहा है यानी कि ये क्या गया हमारे पास एक जंक्शन बन गया है ना तो इसलिए यहाँ पर मैं शो कर रहा हूं कि इस सेकंड सेल से भी क्या होता है एक करंट बाहर आता है लेट दिस करंट इट इज आई टू ये करंट जो इससे बाहर निकला इट इज आई टू आई टू करंट क्या होता है रजिस्टर आर टू से पास करके ये भी क्या करता है इस जंक्शन पे पहुंचता है ठीक है तो इसलिए हमारे पास जंक्शन के ऊपर कौन कौन सा करंट आया एक तो I1 दूसरा I2 तो दोनों करंट जो है वो मिलकर के क्या करते हैं इस uh, C से D की तरफ को जाते हैं ठीक है तो इसलिए टोटल करंट कितना बना है यहाँ पर जो सी से डी की तरफ जा रहा है तो जितना करंट एंटर हो रहा था एंटर कौन सा हो रहा था आई वन और आई टू एंटर हो रहा था और छोड़ के कितना जाएगा जो मतलब कि जितना एंटर हुआ था उतना ही छोड़ के जाएगा जंक्शन लॉ की बात आ रही है ठीक है तो जंक्शन लॉ यूज कर लिया हमने यहाँ पे नवर है ये जो जंक्शन लॉ से ये जो करंट है हमारे पास सी से डी जाएगा डी से फिर ये उस रजिस्टर आरथ्री से पास होकर के यहाँ पर E की तरफ आएगा ई e से ये जो करंट है वो वापस कहां पर आ गया एफ के ऊपर ठीक है कौन सा करंट आ रहा है ये आई वन प्लस आई टू करंट ये जो टोटल करंट है वो कहां पर पहुंचा हुआ एफ के ऊपर पहुंचा ठीक है नव सी ओवर देर एफ के ऊपर दोबारा से क्या बन रहा है जंक्शन बन रहा है एक रास्ता इधर है एक रास्ता ये है ठीक है सो सी ओवर देर कितना टोटल करंट आया था आई वन प्लस आई टू करंट जो है कहाँ पर पहुंचा है जंक्शन के ऊपर तो इस सेकेंड सेल के पॉजिटिव से कितना करंट बाहर गया था आई टू कितना इसमें वापस आना है दैट इज़ अगेन आई टू आई टू करंट उसके पॉजिटिव से बाहर गया था तो नेगेटिव पे वापस उतना ही करंट आएगा तो इसलिए जो बच गया यानी कि तो टोटल करंट क्या था आई वन प्लस आई टू आई टू करंट आ गया नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो बच गया वो तो आई वन था आई वन क्या हो गया नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल के ऊपर आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया सिंपली जो करंट की डायरेक्शन है अब शो कर दी uh, तो इस सर्किट के अंदर ठीक है तो इसमें मैंने क्या किया है अब फर्स्ट जो पाथ ऑफ ट्रावर्सल हमने चूज कर लिया है ठीक है नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस नेक्स्ट रूलिंग ओवर हेयर नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रूलिंग सो यू विल फाइंड ओवर देयर जैसे सेकंड स्टेप नाव यू हैव टू चेक ओवर देर स्टेप नंबर टू देर यू आर फाइंडिंग कि आप इस आपका जो ट्रावर्सल पाथ था ये आपका ट्रावर्सल पाथ जो ट्रैवल्ड पाथ है आपका ठीक है जो आपने स्पोज किया हुआ है तो ये ट्रैवल्ड पाथ मान लो इस तरह से था और ये आपके पाथ में कोई रजिस्टर आ रहा था ठीक है इट इज़ रजिस्टर ठीक है तो इस रजिस्टर के अंदर करंट जो था वो आ, ऐसे भी जा सकता है ठीक है इस तरह से भी जा सकता है इस तरह से मतलब कि उसकी डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन मैच हो सकती है ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरह से चल रहे हो लेकिन जो रजिस्टर आपके पाथ में आया उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इसके जस्ट रिवर्स हो ठीक है वो इस तरह से चल रहा हो ठीक है तो ये आपका क्या था ट्रेवल्ड पाथ था तो इसमें अब क्या होगा वट विल हैपन सो यू विल फाइंड ओवर देयर जब ये करंट इस रजिस्टर में से जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा इस रजिस्टर के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो ये हो जाएगा आई आर प्रोडक्ट ठीक है करंट इनटू रेजिस्टेंस ठीक है तो ये क्या बन गया आई आर ठीक है लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है तो आप इसको क्या करोगे पॉजिटिव लोगे देन इट विल बी पॉजिटिव ठीक है एंड इफ दैट इज गोइंग टू बी इन अपोजिट वो आपके स्पोज पाथ के अगेंस्ट है सो यू हैव टू टेक दिस आई आर प्रोडक्ट एज नेगेटिव तो इसको आपने नेगेटिव लेना है दिस इज माइनस ऑफ आई आर ठीक है नाउ दिस इज स्टेप नंबर टू एंड इट इज स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री ओवर दे कि जब आप अपने इस ट्रावर्सल पाथ में चल रहे थे लेट मी टू ड्रॉ दिस वन इट इज योर पाथ विच यू हैव स्पोज ठीक है ये आपने सपोज किया था ट्रेवल्ड कि आपने किस तरह से उस क्लोज पाथ में चलना है ठीक है तो ओवर देर इन योर पाथ दर इज द सेल आल्सो गोइंग टू बी यूज उस क्लोज uh, पाथ के अंदर क्या किया जा रहा था एक सेल को भी यूज़ किया जा रहा था ठीक है नाउ यू विल चेक ओवर देर कि इसमें सेल uh, जो है वो इस तरह से सपोज दैट दर इज द सेल ठीक है आपके रास्ते में इस तरह से एक सेल आ जाता है जिसमें पहले बड़ा वेरियर आता है फिर छोटा वेरियर मतलब कि पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका रास्ता था ठीक है उस पाथ के अंदर जो सेल है उसका छोटा टर्मिनल पहले आता है और बाद में बड़े वाला टर्मिनल आता है ये इस तरह की सिचुएशन जो है उसमें अराइज हो जाती है ठीक है तो इन सच अ सिचुएशन ठीक है तो मतलब कि ई एम एफ़ क्या लेनी है आपने पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है ठीक है तो इसमें रिमेंबर ओवर देर अगर आपके पास पहले बड़ा बैरियर आ जाता है ठीक है जो आपने रास्ता चूज़ किया जो आपने पाथ चूज़ किया उसमें अगर आ, जो टर्मिनल पॉजिटिव पहले आ गया तो उस वक्त आप इसको नेगेटिव ई एम एफ करोगे इट इज़ नेगेटिव ई एम एफ और अगर आ, आपके ट्रावर्सल में सबसे पहले छोटा वाला बैरियर आता है ठीक है तो उस वक्त ये आपकी जो ई एम एफ होगी इस सेल की वो पॉजिटिव ली जाएगी दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द सेल ओके सो दिस इज स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री विच वी हैव टेकन ओके नाउ लेट अस टू इंप्लीमेंट दिस वन इन आवर दिस सर्किट ठीक है तो इस सर्किट में हम यूज करते हैं सो जस्ट टू चेक दिस वन हाउ मेनी क्लोज सर्किट वी हैव सपोज इन इट हमने इसमें दो क्लोज सर्किट की बात की थी ठीक है एक तो था ये लोअर सर्किट है ए बी सी एफ दूसरा था हमारे पास दैट इट इज सी डी ई एफ सी ठीक है सो नाउ अस टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ए ठीक है uh, तो जो हमारे पास क्लोज सर्किट uh, या क्लोज लूप इट इज ए बी सी एफ ए दिस वॉज द क्लोज लूप ठीक है नाउ सी ओवर देयर क्या बोला था हमारे पास क्लोज लूप मतलब कि ऑफ वोल्टेज लॉ ने किच वोल्टेज लॉ ने बोला था ऑल द अल्जैबरिक सम ऑफ ईएमएफ इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू ऑल द अलजैब्रिक सम ऑफ आईआर प्रोडक्ट ठीक है तो जितनी भी आप वहां पे सेल या बैटरी यूज कर रहे हैं तो उसकी जो ई का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा जितने भी रजिस्टर जिसमें से करंट जा रहा है उसके मतलब आई आर प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है सम ऑफ आई आर प्रोडक्ट होगा ठीक है तो इसमें ओवर फर्स्ट कि ये जो मैंने सपोज किया है ए से बी ए से बी के बीच में कितने सेल यूज हुए सो देर इज ओनली वन सेल यूज ठीक है ई वन लेकिन क्या ये ईएमएफ आपने पॉजिटिव लेनी है या फिर नेगेटिव लेनी है तो इसमें चेकआउट करो कि यू आर गोइंग टू फेस फर्स्ट स्मॉलर टर्मिनल ठीक है आपके पास छोटे वाला बैरियर आ रहा है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए आपके पास क्या होगा जो ई एम एफ है यहाँ पर जब आप ए से बी की तरफ चेकआउट ओवर है जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो उस वक्त आपके पास एक सेल uh, यूज़ हो रहा है उसकी ई एम एफ है ई वन लेकिन वो पॉजिटिव ली जाएगी क्यों पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट यू आर फेसिंग ओवर देयर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल ठीक है उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो बी से सी की तरफ जब जाओगे अभी आई एम गोइंग टू टेक ओनली द ई एम एफ ऑफ द क्लोज सर्किट ठीक है तो जब आप बी से सी की तरफ जाते हो देर इज नो सेल यूज नाउ वेन यू आर गोइंग फ्रॉम सी टू एफ सो यू आर फाइंडिंग ओवर देयर देर इज अगेन अ सेल इज यूज ठीक है उसकी ई एम एफ है ई टू वट दिस ई एम एफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव सो यू विल फाइंड दैट आपने जो पार चूज किया था वो सी से एफ की तरफ था और यहाँ पर क्या हो रहा है सी से एफ में जब आप जाते हो तो पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है फिर नेगेटिव तो इसका मतलब हुआ इस वक्त जो ई एम एफ है वो नेगेटिव आपने यूज करनी है इट इज माइनस ऑफ ई टू विच इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑफ ऑल आई आर प्रोडक्ट नाउ सी ओवर देयर अगेन उस क्लोज लूप में आपने ए से स्टार्ट करना है ए से जब आप बी की तरफ जा रहे हो सो चेक ओवर देयर हम मच करंट ठीक है करंट का कितना करंट शो किया गया था जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आई वन करंट शो किया जा रहा था और ये आई वन करंट उसी डायरेक्शन में है जो आप जो आपने सपोज की थी और ये उस रजिस्टर आर वन से पास कर रहा था तो इसका मतलब हुआ आई वन करंट आर वन से पास हो रहा था तो इसलिए आई आर प्रोडक्ट लिया मैंने तो अल्जेब्रिक सम लेना है ना तो इसलिए प्लस नो सी ओवर देयर जब आप बी से सी की तरफ जाते हो इज देर एनी रजिस्टेंस देर इज नो रजिस्टेंस नो वैन यू आर गोइंग फ्रॉम सी टू एफ ठीक है तो उस वक्त उस क्लोज लूप में जब आप सी से एफ की तरफ जाओगे सो अगेन यू विल फाइंड दैट दर इज़ अ रजिस्टेंस वट द करंट इज इन अपोजिट ये जो करंट है ये किस तरफ जा रहा है ये लेफ्ट और आप किस तरफ जा रहे हो राइट की तरफ जा रहे हो तो इसलिए आपको मैंने बताया था उस सिचुएशन के अंदर आपको जो यहाँ पर आई आर प्रोडक्ट है वो क्या करना है यूज नेगेटिव यूज करना दिस इज इज माइनस ऑफ ठीक ठीक है A, no है अगेन फ्रॉम नो रेजिस्टेंस तो इसलिए हमने ए से जर्नी शुरू की और ए के ऊपर एंड कर दिया तो इसलिए हमारे पास ये बन गया दिस इज आई वन आर वन माइनस ऑफ आई टू आर टू ओके सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी ठीक है नव दैर इज द सेकंड इक्वेशन तो सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या होगा सेकेंड क्लोज लूप आप यूज करोगे तो so, कौन सा क्लोज लूप है मेरे पास अब क्लोज लूप दिस इज ओवर हेयर दैट ऑफ सी डी ई एफ सी ठीक है दिस इज माई क्लोज लूप तो इस क्लोज लूप के अंदर ये जो यहाँ सी से शुरू होता है ठीक है फर्स्ट चेक ओवर देयर मच इज द टोटल ई एम एफ सप्लाइड इन दिस सर्किट इस सर्किट के अंदर कितनी सेल आपने लगाए हुए हैं कितनी ई एम एफ सप्लाई कर रहे हो ठीक है सो यू विल फाइंड ओवर देयर सी से डी आपने कोई सेल नहीं लगाया डी से ई e के बीच में कोई सेल नहीं लगा ई e से एफ के बीच में कोई सेल नहीं लगा लेकिन एफ से सी के बीच में क्या हो रहा है एक सेल यूज हो रहा है ई टू ठीक है लेकिन जब आप एप से सी की तरफ जाते हो जो आपका पाथ आपने चूज किया है तो इसमें पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है इसका मतलब हुआ इसमें ई एम एफ जो है वो क्या होगी पॉजिटिव ठीक है तो ई e टू तो देर इज ओनली सिंगल सेल यूज इन दिस क्लोज लूप अगर सेल यूज नहीं होगा तो जीरो लिखोगे तब तो आप ठीक है इट इज इक्वल टू नाउ द आई आर प्रोडक्ट ठीक है तो आई आर प्रोडक्ट चेक ओवर दे जब आप सी से डी की तरफ जाओगे तो कोई यहाँ पे रजिस्टर यूज ही नहीं हुआ लेकिन डी से ई e की तरफ जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो आई वन प्लस आई टू टो टोटल करंट था वो क्या करता है उस आर थ्री से पास करता है ठीक है नाउ वैन यू आर गोइंग फ्रॉम ई टू एफ देर इज नो रजिस्टर वैन यू आर गोइंग फ्रॉम एफ टू सी ठीक है एफ टू सी जा रहे हो तो उस वक्त आपके पास क्या हो रहा है आर टू रजिस्टेंस यूज हो रहा है उसमें से कितना करंट जा रहा है यहाँ पर चेकआउट करना इसमें से जा रहा है आई टू करंट ठीक है तो इसलिए करंट और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम तो इसलिए आई टू आर टू ठीक है दिस इज दैट इक्वेशन नंबर टू वट चेक दैट हेयर आई हैवन टेकन एनी इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल अगर इंटरनल रजिस्टेंस भी होगा ना तो वो भी आपको साथ में यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल से भी क्रॉस करोगे ठीक है तो उसमें इंटरनल रजिस्टेंस इंक्लूड करना है तो प्लस लगाना पड़ेगा ओके सो दीज आर द टू इक्वेशन नव फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन गो फॉर दल्यूशंस ऑफ ऑल द दो टर्म्स ओके So thank you for watching the video.